सरकार के लाए कृषि कानून को लेकर पिछले 15 दिनों से सड़क पर जमे किसानों और मोदी सरकार के बीच जंग और लंबी होती दिख रही है। केंद्र सरकार ने जहां कृषि कानून को रद्द करने से इनकार कर दिया है, वहीं किसान तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार के सख्त रुख को देखते हुए किसानों ने भी आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसानों की ओर से बताया गया है कि वो 12 दिसंबर से दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। किसानों ने साफ किया है कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया तो बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं का घेराव किया जाएगा। किसानों का कहना है कि जिन मांगों को लेकर पिछले 15 दिन से वो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उन्हें वो पूरा करवा कर ही वहाँ से जाएंगे। किसान नेता शिव कुमार कक्का का कहना है कि सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे नया कहा जाए। किसान यूनियन के नेताओं ने सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को अपमानजनक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार नए सिरे से किसान वार्ता को लेकर प्रस्ताव भेजती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नए कृषि कानूनों के बारे में फैलाई जा रही फर्जी और भ्रामक खबरों और अफवाहों का शिकार न हो। एपीएमसी मंडियों का संचालन जारी रहेगा और नए कृषि कानूनों के पारित होने के बाद कोई एपीएमसी मंडी बंद नहीं हुई। नए कृषि कानूनों और सुधारों के पीछे की वास्तविकता को जानें। बता दें कि किसान और केंद्र सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत में किसी तरह का कोई हल नहीं निकल सका। सरकार अब इस कानून में संशोधन करने को तैयार भी हो गई है, लेकिन किसान 3 कृषि बिल पूरी तरह से रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।